सहारनपुर की थाना बेहट पुलिस ने किसानों को नशीला पदार्थ देकर बेहोशी की अवस्था में उनसे ट्रैक्टर ट्राली चोरी करने वाले दो अभियुक्त राम मेहर सिंह व सचिन दोनों निवासी शामली को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर पकड़े गए चोरों ने बताया कि वह किसानों से ट्रैक्टर ट्रॉली बुकिंग के बहाने ले जाकर रास्ते में उन्हें नशीला पदार्थ देकर बेहोश करके उनकी ट्रैक्टर ट्राली चोरी करके उन्हें लालच में कम दाम पर बेचने का काम करते थे। मामले का खुलासा एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर किया। गया तो इसमें एक अभियुक्त है राम मेहर सिंह, ये रहने वाले निवासी ददेड़ा थाना जिंजाना शामली के हैं। इनके पास से इस घटना में जो चोरी किया गया ट्रैक्टर विथ ट्रॉली बरामद किया गया, साथ ही दो अन्य ट्रैक्टर भी इनसे बरामद किए गए जो कि जनपद शामली और जनपद मुजफ्फरनगर में इनके अभियोग पंजीकृत हैं। वहाँ भी इन्होंने इसी तरह से घटना की, ट्रैक्टर बुकिंग करने के बहाने ये लोग ले जाते हैं और बीच रास्ते पे जो है जो ट्रैक्टर चालक है या ट्रैक्टर मालिक है उसको नशीला पदार्थ पिलाकर और उसे बेहोश कर देते हैं और किसी सुनसान रास्ते में उसको छोड़कर और वो ट्रैक्टर चोरी कर लेते थे। इस संबंध में ये तीनों घटनाओं का थाना बेहट पुलिस ने अनावरण किया है, साथ ही एक दूसरा अभियुक्त भी इसमें गिरफ्तार किया है जिसका नाम सचिन है, जो कि ये एक ट्रैक्टर है उसने बहुत ही कम दाम, जो 8 से 9 लाख का ट्रैक्टर है उसने 40,000 रुपये में परचेज किया था इससे, और ये लोग मिलकर ही काम करते हैं और ये उसको या तो बेच देते हैं या तो फिर उसके पार्ट्स अलग अलग कर उसको काट देते हैं। तो ये जो राम मेहर सिंह यहाँ मुख्य अभियुक्त है, इस पर पहले भी इसी तरह के मुकदमे हैं, इस पर टोटल अब 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। और सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय आह्वान पर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए गन्ना मूल्य वृद्धि घोषित करो बाबा टिकैत अमर रहे, जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव चौधरी विनय कुमार ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से किए गए वायदों को अब तक नहीं किया है, प्रदेश सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए वरना किसान आंदोलन को तैयार बैठा है। राष्ट्रीय आह्वान पर प्रदेश के पूरे जनपदों में भारतीय किसान टिकैत संगठन गन्ने का बिजली का 13-14 मुद्दे हैं जो सरकार से वादे भी किए थे, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वो पूरे नहीं हुए, उन्हें लेकर सरकार को याद दिलाने के लिए कि झूठी सरकार है कब तक वादे करेगी। आज सांकेतिक रूप से पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन ज्ञापन के द्वारा गन्ना रेट और दूसरी सारी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा और सरकार इसमें कुछ काम नहीं करती तो राष्ट्रीय शिविर में 16-17 जनवरी में इस पर विचार करके बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की जाए। सहारनपुर नगर निगम गिल कॉलोनी से सटे धमोला नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट विकसित करेगा। सिंचाई विभाग से एनओसी लेने के बाद निगम ग्रीन बेल्ट का कार्य शुरू करेगा। इस संबंध में नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने आज निगम अधिकारियों को निर्देश दिए। नगरायुक्त निगम अधिकारियों के साथ आज सुबह गिल कॉलोनी का निरीक्षण करने पहुंची थी। जो मैंने जांच के लिए बोला था, अगर हम अभी देखेंगे वहाँ से डैमेज होना शुरू हो गया है, हालत तो थे ही नहीं, जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए थी उसकी तो मैंने कंप्लेन की थी, अभी से वो टूटना भी शुरू हो गया। देन उसके बाद जो सिविल लाइन जो पोल है वहाँ पर एज इट इज़ वो बंद करके चले गए, और अगर आगे जाके आप देखेंगे तो जो उसके ढक्कन बना के रखे उस बोर्ड के ऊपर ही रखे, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं मैम, वो करना था कॉन्ट्रैक्टर को, ये तो अपना निगम के उसी हुआ ना, उसमें जो रोड ही बनी है, ये अभी बनी है रोड, बिल्कुल देवबंद नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 24 अबुल बरकात से सभासद सैयद हारिस ने मोहल्ला बड़े भाईयान की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया शुरू। क्षतिग्रस्त सड़क होने के चलते पानी की निकासी सही न होने के कारण मोहल्ले के मकानों को बहुत नुकसान हो रहा था, इसकी शिकायत मोहल्ले वासियों ने सभासद सैयद हारिस से की। इस मौके पर मोहल्ले वासी मुफ्ती वासिफ ने बताया कि सड़क की हालत खराब होने की वजह से मकानों में दरारें आ रही थी, जिसका सैयद हारिस ने संज्ञान लेकर निर्माण शुरू कराया। बहुत अरसे से यहाँ की सड़क खराब है और पानी जो है नालियों में से रिस रिस के
नीचे जाता था, नीचे की मिट्टी उसने निकाल दी, सारे घरों की जो है बुनियादें हिल गई और घरों में दरारें पड़ रही हैं। और हमने दरख्वास्त की थी हमारे हारिस भाई से, इन्होंने आपसे मिल करके बहुत तेज़ी के साथ काम शुरू कराया है। और हमारी एक समस्या यह है कि पानी साइड में अगर हम नाली करते हैं तो ज़्यादा परेशानी होती है, फिर दोबारा उम्मीद है कि वो बुनियाद में जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा हट करके पाइपलाइन डाल दी जाए तो नाली जो है उस पाइपलाइन के तौर पे बन जाएगी और बीच में जगह जगह मेन हॉल बना दिया जाए, 8-10 फीट के फासले पर एक मेन हॉल बन जाए, फिर पाइप डल जाए, फिर मेन हॉल बन जाए, फिर पाइप डल जाए, तो इससे हमारी समस्या भी दूर हो जाएगी और आपके बहुत आभारी होंगे हम सब महल्ले वाले। ये हमारे भाई हैं सरूल भाई जी, शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये काम कराया है हमारा, और सहयोग आपका तो है ही, हमारा आपके साथ रहेगा आगे भी। और हारिस भाई जो है वो बहुत एक्टिवली उन्होंने काम किया और आपके सहयोग से सब कुछ हो पा रहा है, बिना सहयोग के तो हो ना पाता, उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। और सभी महल्ले वाले आभारी हैं भाई।